तो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग अच्छा होंगे। तो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे गाइस आप अपने यूट्यूब पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ला सकते हो। तो गाइस पहली ट्रिक, तो गाइस वीडियो आगे बढ़ने से पहले, गाइस मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, गाइस वीडियो आगे से बढ़ने पहले नीचे जाके सब्सक्राइब बटन दबा देना, लेकिन गाइस लाइक अभी मत करना गाइस जब तक मैं ये ट्रिक बताऊँ, उसके बाद इसको फॉलो करना। और गाइस जब ये ट्रिक काम करे तभी गाइस आप लाइक करना, लेकिन गाइस सब्सक्राइब प्लीज पहले कर देना। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ गाइस, प्लीज सब्सक्राइब पहले कर देना, जैसे गाइस लाइक बाद में करना, जैसे अगर लेकिन नहीं पड़ी डिसलाइक मत करना गाइस, चिंता कोई बात नहीं, डिसलाइक मत करना, नीचे से कमेंट कर देना, मैं कोई और ट्रिक सजेस्ट करूंगा आपके लिए। तो गाइस ये अपनी बहुत सारी टिप्स हैं। तो गाइस पहली टिप मैं बताने वाला हूँ, पहली टिप है यूज पावरफुल प्लेलिस्ट। यूज पावर प्लेलिस्ट का मतलब है कि मतलब जितनी ज्यादा प्लेलिस्ट ऐसी चीज बनाओ, जैसे प्लेलिस्ट ऐसी चीज का मतलब बहुत सारी वीडियोस अपन एकदम स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मानो आपने कोई माइनक्राफ्ट की सीरीज बनाई, तो माइनक्राफ्ट की सीरीज को अपन एक प्लेलिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि ऐसे लिख देना कि माइनक्राफ्ट सीरीज प्लेलिस्ट, तो इस उसमें जाके लोग आपके देख सकते हैं। तो फिर पावर प्लेलिस्ट बनानी है, मतलब इसका मतलब है अच्छी प्लेलिस्ट बनानी है जिसमें ज्यादातर लोग आपके अट्रैक्ट हुए। और ये दूसरा है, दूसरी टिप है पब्लिश लॉन्ग वीडियो 10+ मिनट, मतलब 10 मिनट से ज्यादा की वीडियोस बना लो। ये गाइज आपके है ना व्यूज बढ़ाने में काम आएंगे। और गाइज मेन तो यहाँ पे काम क्या है, ये मतलब कि वाच टाइम बढ़ा सकती है गाइज, ये सेकंड वाली ट्रिक जो दिख रही है ना आपको। और गाइज थर्ड टिप है अपनी प्रमोट योर वीडियोस इन योर एंड स्क्रीन, मतलब जैसे मानो आप कोई भी वीडियो आपको लग रहा है ये वायरल जाएगा, फिर चले गया जाने धीरे धीरे, तो फटाफट से मतलब पहले ही क्या करो, जैसे वीडियो कोई भी अपलोड करो तो उसके लास्ट में एंड स्क्रीन लगाते हैं ना, जैसे कि कोई भी एंड स्क्रीन लगा दिया आपने, मतलब जैसे कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया और उसके लास्ट में मैंने एंड स्क्रीन में कोई दूसरा वीडियो डाल दिया, इससे अगर मेरे एक वीडियो जो वीडियो आ रहा है उसका तो फायदा होगा, या अगर वो ज्यादा वायरल चले गया तो गाइस दूसरा वीडियो भी वायरल जाएगा। तो गाइस और अपनी चौथी ट्रिप है कि गाइस अपन को ब्रांडिंग वाटर मार्क्स यूज करने हैं। गाइस ब्रांडिंग वाटर मार्क क्या होते हैं मैं बताता हूँ, मतलब वाटर मार्क जैसे नीचे के मतलब सब्सक्राइब बटन आता है ना, तो गाइस वैसे जैसे वाटर मार्क, जैसे कि मतलब जैसे कि आप मेरे वीडियोस में कॉर्नर पे देखते होंगे, शायद इस चैनल पे ही देखते होंगे, मैं पता नहीं डाला है नहीं गाइस, देखो वाटर मार्क में मतलब कॉर्नर में देखते होंगे मेरे चैनल का लोगो आता है। तो गाइस अगर माउस माउस का जो एरो होता है, तो गाइस अगर आप इसको स्क्रॉल करके उस पर जाके ऊपर रख दोगे तो गाइस यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिखेगा, तो गाइस सब्सक्राइब का बटन, जैसा सब्सक्राइब का बटन डाल देना वहाँ पर, और गाइस आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। गाइस मैंने भी इस ट्रिक को फॉलो करता हूँ। और गाइस फोकस ऑन क्वांटिटी नॉट क्वांटिटी, तो गाइस ये सबसे ज्यादा मेन ट्रिक है, सबसे मेन ट्रिक यही है कि गाइस आपको क्या करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे बिल्कुल फोकस मत करना। ऐसे फोकस मत करना गाइस कि कितने वीडियो डाल रहे हो, कितने कितने डाल रहे हो, कब कब डाल रहे हो, क्वालिटी पे फोकस करो कि क्या वीडियो डाल रहे हो, वीडियो की खास बात क्या है। और गाइस ये आगे मैंने एक्स्ट्रा 3 टिप और दे रखी है गाइस। पहले टिप है यू हैशटैग मोर हैज मोर कैन यू कैन, मतलब जितना ज्यादा हैशटैग आप यूज करोगे उतना ज्यादा करो, जितना करना है करो, तुम्हारी मर्जी भाई, कितना भी करो, अनलिमिटेड हैशटैग, लेकिन गाइस अनलिमिटेड मत करना। मैं मतलब अनलिमिटेड मतलब ये नहीं कि एक के अंदर ही 5,000 का वो आता है ना, तो 5,000 के 5,000 हैशटैग डाल दोगे, ऐसे नहीं गाइस। अब क्या करना है, मतलब हैशटैग हो ना तो सिर्फ आपको 20 से हैशटैग डालने, 20 हाईएस्ट गाइस, नहीं तो फिर ज्यादा हैशटैग डालते तो यूज अपने यूट्यूब अपने व्यूज नहीं देता अपन को। तो गाइस फिर क्या करना है, यू एस हैशटैग करना है, लेकिन गाइस हैशटैग भी ऐसे यूज करना, जैसे मानो आप माइनक्राफ्ट की वीडियो डाल रहे हो तो ऐसे नहीं कि माइनक्राफ्ट की वीडियो के नीचे आपने फिर डिस्क्रिप्शन में क्या करना, फ्री फायर का हैशटैग डाल दिया, ऐसे नहीं करना गाइस, कभी ऐसा मत करना गाइस। रिलेटिव मतलब जो रिलेशन से हुए ना उसके, तो वैसे हैशटैग डालो वीडियो के रिलेशन से। और दूसरा गाइस मेक अट्रैक्टिव थंबनेल गाइस, ये तो मैं भी नहीं करता गाइस, यही मैं कोशिश करूंगा ऐसे करने की, अट्रैक्टिव थंबनेल बनाओ, मतलब जैसे कोई देखे ना आपको वीडियो तो गाइस यू क्लिक कर दे, मतलब उसको कुछ सबसे ज्यादा समझे ना बस यू क्लिक कर दे। और गाइस लास्ट जो मेरी खुद की टिप है वो है गाइस यूज फनी मीम्स गाइस, ये सबसे ज्यादा अच्छी ट्रिक है गाइस, ये ज्यादातर लोग फनी मीम्स को भी देखते हैं, जैसे कि आप फनी साउंड को यूज कर लीजिए, फनी मीम्स को यूज कर लीजिए गाइस, एक ही बात है। गाइस मीम्स बीच बीच में लगा देते हैं ना, तो गाइस क्या होता है अपने व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब बढ़ते हैं लेकिन उनको अच्छा लगता है अपने चैनल, तो सोचते हैं बहुत ज्यादा फनी चैनल है अपन को, मतलब जब भी अपना उनका टाइम पास नहीं हो तो वो देख भी सकते हैं, तब भी कुछ काम के लिए भी देख सकते हैं, तो कहीं फनी मीम्स का ये मत भूलना। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, गाइस अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मुझे तो बोलिए गाइस, मैं अपने टीएल गेमर चैनल को, और गाइस टीएल गेमर पे मैं वैसे ही धमाकेदार कंटेंट बनाते रहूंगा। तो गाइस जय हिंद जय भारत, बाय बाय गाइस।